हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु रामदास एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम बात करने वाले हैं वायु मुद्रा के बारे में कि वायु मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं, कितने टाइम तक वायु मुद्रा करनी है, वायु मुद्रा कैसे बनाते हैं। आज ये सब हम इन वीडियो में देखेंगे और आप सभी लोगों के लिए एक ही बात है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और शेयर कीजिए। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे, उन लोगों को भी जो है उनको ज्ञान बढ़ेगा वायु मुद्रा के प्रति। तो वायु मुद्रा कैसे बनाते हैं, पहले आज मैं वो दिखाता हूँ। ये आपका हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा थंब है, ये मेरी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पे रखना है और थंब से जो है इंडेक्स फिंगर को प्रेस करना है और बाकी तीन फिंगर स्ट्रेट रखनी है। जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, जिनके मसल में पेन होता है, मांसपेशियों में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, कोई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जिस पेशेंट के अंदर, जिसको हम गाउट बोलते हैं, उसका जो फर्स्ट टो है, पैर की उंगली का जो पहला अंगूठा है, उसमें दर्द ज़्यादा होता है, तो वो भी जो है इससे ठीक हो सकता है। वायु मुद्रा से जो नेक में पेन है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या बैक में पेन है, या रिस्ट में पेन है, जो हड्डियों में पेन हो रहा है, वो पेन भी जो है वायु मुद्रा से ठीक हो सकता है। अब वायु मुद्रा का क्या मैकेनिज्म है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारी इंडेक्स फिंगर हैं, वो जो है एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जिन लोगों में वायु की जो दशमलव है वो बढ़ी हुई है, उन पेशेंट्स में जो है वायु मुद्रा करनी चाहिए और डॉक्टर्स को भी जो है रिकमेंड करना चाहिए। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं ये वायु मुद्रा को जो है एडवाइस करता हूँ। मैंने देखा है कि लोग ठीक भी हो जाते हैं, पर इसको 45 मिनट्स करना है, दिन में 3 बार करना है, 15 मिनट एक बार करना है, फिर दूसरी बार 15 मिनट करना है, फिर तीसरी बार 15 मिनट करना है। वायु मुद्रा जो गैस्ट्रिक एलिमेंट्स हैं, जो गैस्ट्रिक डिजीज़ है, जैसे एसिडिटी हो गई, हाइपर एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गया, गैस में पेट में गैस बनी हुई है, तो उस किस्म की कंडीशंस में भी जो है हम वायु मुद्रा कर सकते हैं। और ये पाया गया है कि जितने भी लोग वायु मुद्रा करते हैं, उनकी गैस की ट्रबल ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं वायु मुद्रा जो एलोपैथिक साइंस में इनक्यूरेबल डिजीज़ हैं, जो डिजीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो ठीक नहीं हो सकते हैं, जैसे कि एक पार्किंसंस डिजीज़ है। पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है, डोपामाइन की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है ब्रेन के अंदर, और उस वजह से जो है बॉडी में रिजिडिटी हो जाती है, ब्रैडीकाइनेसिया हो जाता है, रेस्टिंग ट्रेमर्स हो जाते हैं, तो उस वजह से भी जो है ये एयर एलिमेंट के बढ़ने की वजह से होता है। वात या विंड डिजीज़ भी कहते हैं इसको। वायु मुद्रा में जो वात नाड़ी है, उसका भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब हम वायु मुद्रा करते हैं, उसमें जो वात नाड़ी है, जो हमारे हाथ के अंदर है, वो प्रेस होती है और उसके प्रेस होने से जो है एयर एलिमेंट ठीक हो जाता है। वायु मुद्रा हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स भी कर सकते हैं, जिनको बहुत सी कठोर, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जैसे कि हार्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, छाती में दर्द हो रहा है, तो वो लोग भी वायु मुद्रा कर सकते हैं। पोलियो के पेशेंट्स भी वायु मुद्रा कर सकते हैं, जिनको लकवा मार गया है, वो भी पेशेंट्स वायु मुद्रा कर सकते हैं। और इसके जो है लाभ बहुत है, आप करके देखिए एक बार और आपको जो है लाभ का जो है एहसास होगा कि वायु मुद्रा से क्या क्या हो सकता है।
तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं एज ए डॉक्टर भी ये मुद्रा रिकमेंड करता हूँ, और जिस किसी को भी इस बारे में और जानकारी लेनी है वो गूगल पे रिसर्च भी कर सकता है या मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर कॉल में दिया हुआ है अबाउट में, तो वहाँ से आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।